की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक PNB जो कि गवर्नमेंट बैंक है उस बैंक के रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ ईयर 2022। तो हाँ जी, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बैंक में काम करने के लिए इच्छुक हैं, स्पेशली एक गवर्नमेंट बैंक में जहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड की जाएगी, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में PNB पंजाब नेशनल बैंक ने रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताई जाएंगी आज की इस वीडियो में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बैंक की इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानने के लिए कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, तो ये सारी बातें आपको जानने को मिलेगी आज की इस वीडियो में। सो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें। सो पंजाब नेशनल बैंक PNB हैज रिलीज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स इन देयर बैंक एंड फॉर दैट दे आर इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। सो दो डिपार्टमेंट में जो है वो रिक्रूटमेंट होने वाले हैं, एक फायर सेफ्टी के डिपार्टमेंट में एंड एक होने वाला है सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट में। तो फायर सेफ्टी के डिपार्टमेंट में होने वाला है ऑफिसर के पोस्ट पे भर्तियां होने वाली है एंड जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में उसे मैनेजर के पोस्ट पर जो है वो हायर किया जाएगा लोगों को। सो टोटल 103 वैकेंसीज निकाली गई हैं दोनों डिपार्टमेंट की मिला के। 23 जो है वो ऑफिसर के लिए निकाली गई हैं इन फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड 80 वैकेंसीज जो हैं वो निकाली गई हैं फॉर द मैनेजर इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सो उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड हो। ये जो है एप्लीकेशन ये आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, बट सबमिट आपको इसे ऑफलाइन फॉर्म में करना है। एज अ फर्स्ट स्टेप आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है pnbindia.in वहाँ विजिट करना है, देन इस रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा वहाँ, उसको डाउनलोड करके फिल करके आपको एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी है और उसकी जो ट्रांजेक्शन ID एंड ट्रांजेक्शन रिसिप्ट होगी उसका प्रिंट आउट निकालना है, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना है, देन उन दोनों को एज अ बंच ऑफ योर एप्लीकेशन आपको स्पीड पोस्ट करना है द्वारका सेक्टर 10.4 की जो एड्रेस है न्यू दिल्ली का, वहाँ पे जो PNB की ब्रांच है वहाँ आपको उसे स्पीड पोस्ट करना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर दिस रिक्रूटमेंट। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से 35 साल के बीच अगर आपकी एज लाइन करती है देन ही आप अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ₹1,003 है फॉर द जनरल OBC EWS एंड अदर कैटेगरीज, लेकिन अगर आप SC ST या PW की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या वुमेन कैंडिडेट हैं देन आपके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, आपको कोई एप्लीकेशन फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम अगर बात करें तो डिपेंड करेगा वो कि कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो PNB बैंक रिसीव करता है एज पर देयर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उन्होंने कहा है कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है उनके पास आती है देन दे विल कंडक्ट एग्जाम एंड उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, लेकिन अगर कम ही उनके पास जो है एप्लीकेशन रिसीव होगी देन वो इंटरव्यू कर लेंगे उन कैंडिडेट्स का एंड उस बेसिस पर जो है वो 103 वैकेंसीज अपने बैंक में भरेंगे। तो आप जल्दी से जाके इनकी ऑनलाइन वेबसाइट जो है pnbindia.in वहाँ जाके आप अपनी नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो अपने डॉक्यूमेंट्स स्पीड पोस्ट करवा लीजिए। ऐसी और जॉब रिलेटेड और एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।